दोस्तों ये मेरे पास है वीवो का मोबाइल है और ये मेरे पास एमआई की टीवी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने वीवो के मोबाइल का जो स्क्रीन है वो मैं अपने एमआई की टीवी के साथ में शेयर करके दिखाऊंगा। बस आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान देना, आपके टीवी के साथ में कोई भी सेटअप बॉक्स या डिश टीवी नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद में आपको एक बात का और ध्यान देना, आप जिस मोबाइल का स्क्रीन अपने टीवी के साथ में शेयर करना चाहते हैं उस मोबाइल का इंटरनेट आपके टीवी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। आपको इस बात को याद रखना है। तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपका भी मोबाइल का स्क्रीन अपने टीवी के साथ में शेयर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता तो मैंने उसके लिए पहले से वीडियो बना दिया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना सीख सकते हैं। जैसा कि भी आप देख सकते हैं हमारे टीवी में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल होम एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन का नाम बता दिया। तो बहुत लोग जो इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तभी आप अपने मोबाइल के जो स्क्रीन है वो आप अपने टीवी के साथ में शेयर करना सीख पाएंगे। तो सिंपली आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा जहाँ पर सिंपली आपको नोट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ओके कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में अलाउ नियर बाई डिवाइस का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर सिंपली आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में चूज योर फेवरेट का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर सिंपली आपको नोट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब जैसे आप डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा मेरा यहाँ पर दिख रहा है टीवी, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली आपको कास्ट माई स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में कास्ट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में सिंपली आपको स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके मोबाइल के जो स्क्रीन है वो आपके टीवी के साथ में शेयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल के जो स्क्रीन है वो हमारे टीवी के साथ में शेयर हो चुका है।